पंजाब में सिर्फ 40 हलकों का नतीजा ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास जाएगा और सारे पाकिस्तान में तकरीबन 80 हलकों का फैसला जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास जाएगा, जो कि पढ़े लिखे और ज़्यादा जिम्मेदार लोग हैं और ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी से वोट कास्ट करते हैं। इस पे आपने तालियां नहीं बजाई। और हमने मशीन पर भी इसलिए किया है कि क्रिश्चियन जो है वो एक मसीह जो है वो मेहनत कश लोग हैं। पाकिस्तान में किसी जगह एक मैं बड़ा अहम जुमला आज बोलने लगा हूं खत्म करने से पहले, मैंने आज तक किसी पाकिस्तान में मसीह को मांगते हुए नहीं देखा है। मसीह डेंटर है, पेंटर है, वेल्डर है, मैकेनिक है, जो है, कभी आपको किसी जगह दहशतगर्दी में किसी मसीह का नाम नहीं मिलेगा। और लाल हवेली के दरवाजे हर वक्त मसीहों के लिए खुले होते हैं, बल्कि फिलिप और सुमित्रा साहब तो होते ही वहां पे हैं। जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, सुबह आते हैं शाम तक नहीं जाते। मैं इन द एंड आई एश्योर ऑल द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड आई एम सीइंग सम फॉरेन डिप्लोमा इस्लामाबाद में वज़ीर दाखला शेख रशीद इस वक्त लीडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया है तो बेशतर वोट पीटीआई के होंगे। द क्रिश्चियंस आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी रॉन्ग केस, दे आर हार्ड वर्कर, दे आर ऑनेस्ट, दे आर डिवोटेड, and I assure them they have all free, they are free to pray their Yesu and their girjaghars and they are everywhere. Although there are many extremists, they are extremism, but thanks to God there is no Christian who is extremist, there is no Christian who cross the law or he go beyond the law. So I have great respect for the Christians of Pakistan, and as a interior minister I assure you there will be no law which will be against your religion. Thank you very much everybody. God bless. Subscribe करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।